तो स्वागत है ट्रैवल सिंह की एक और नई वीडियो में। भाई बहुत टाइम बाद आपके लिए मैं स्विफ्ट लेके आया हूँ फिर से। हाँ टाइम हो गया, दूसरी गाड़ी का प्लानिंग कर रहे थे। अच्छा। वो भी आपको जल्दी वो उसकी खबर मिलने वाली है। अच्छा। दूसरी गाड़ी मेरे को भी नहीं बता रहे, मेरे लिए भी सरप्राइज रखा हुआ है। तो आप भी तो हमारे यूट्यूबर ही हो। तो नहीं यूट्यूबर तो मैं हूँ, पर ये दूसरी गाड़ी मेरे भी ना, आपको भी सरप्राइज मिलेगा तो थोड़ा अच्छा आप कर पाओगे ना। चलो ठीक है भाई, मेरे लिए भी सरप्राइज है, आपके लिए भी सरप्राइज है, अभी देखेंगे। पर पहले मेरे को बता देना भाई कौन सी गाड़ी का प्लान कर रहे हो। ठीक है, तो उसकी भी तैयारी वगैरह चल रही है, तो उसका सामान वगैरह भी कुछ नहीं दिखाओगे? नहीं अभी उसका सामान नहीं, जब वो उसकी वीडियो आएगी गाड़ी की, उसके एक दो हफ्ते पहले आपको सामान की वीडियो मिलेगी। अच्छा, फिर उसके एक दो हफ्ते बाद वो गाड़ी। चलो भाई ठीक है भाई, तो देखेंगे भाई आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। तो भाई आज वाली स्विफ्ट में हम क्या करने वाले हैं? आज वाली स्विफ्ट के अंदर वही है, LXi टू ZXi पूरा कन्वर्ट किया है, प्लस एड ऑन आइटम किया है। जैसे लोग डैम्पिंग करवाते हैं सिर्फ चारों डोर पे हो गया साउंड के लिए, पर इस गाड़ी में आगे बोनट पे भी डैम्पिंग हुआ है, पीछे डिक्की पे भी डैम्पिंग हुआ है, प्लस पूरी रूफ के ऊपर डैम्पिंग है। ठीक है, और इसके अंदर मीटर तो है ही, पावर विंडो है, पूरा स्टीयरिंग व्हील चेंज किया है, कंट्रोल नहीं लगाया है, पूरा व्हील चेंज हुआ है ZXi प्लस वाला। ओके, जिसके अंदर स्टीयरिंग रैप मिलता है, फिर नीचे मिंडा की फॉग लाइट डली है ओरिजिनल वाली, और फिर एंड्रॉइड लगा है, और नीचे फ्लोरिंग वगैरह यही छोटी मोटी आइटम्स है। तो मतलब लगभग सब कुछ हुआ है सिवाय स्पीकर को छोड़ के, भैया ने कहीं से पहले ऑडियो का काम कराया था, डैम्पिंग भी कराई थी। जैसे हम कहते हैं डैम्पिंग थोड़ी सी अब क्वालिटी का जोर ध्यान देना, थोड़ी सी जैसे कहते हैं चो रही है, वो तो भैया की पहले मैनुअल पावर विंडो थी इसलिए बच गया, वरना पूरा मोटर वगैरह सब कुछ चेंज डैमेज कर देती। भाई देखो मतलब इतना जो है ये एक थोड़ा सा सीरियस इशू है कि भाई आप जो ये चीजों का ध्यान दो। भाई बंदे कहते चलो कोई नहीं डैम्पिंग करा दी भाई, ठीक है चलेगा, कोई नहीं पैसे बचा लिए, पर वहीं से पता है कई बार बंदा होता है कि सस्ती चीजें लगवा लेता है दो पैसे बचाए चक्कर में। अब आप बताओ यार आयुष, अगर ये मोटर जाती, टॉप मॉडल होता, मोटर जाती तो कितना नुकसान होता भैया? जैसे मारुति का तो ये एक बेनिफिट है कि मोटर वगैरह जाती तो मोटर सस्ते में अवेलेबल हो जाते हैं इसके लिए, पर मान लो कोई दूसरी गाड़ी होती, दूसरी गाड़ी का मारुति फिर भी भाई कुछ तो रेट होगा, 5-10 हजार 2000 रुपए तक खर्चा आ जाता है। और उसी जगह कोई वैगनर वगैरह गाड़ी आती तो उसमें पूरा सबसे ज्यादा कॉस्ट मोटर का ही होता है, गत्ता से भी ज्यादा वैगनर वगैरह में। अच्छा, तो वही मान लो सीधा 8-9 हजार का खर्चा हो जाता है अगर ये गाड़ी अभी वैगनर होती तो। ठीक है, तो अगर हम एस्टिमेट लगाते हैं, अगर मान लो ये जो भी डैम्पिंग भैया लगवाई थी और अगर हम अच्छी डैम्पिंग लगाते हैं, कॉस्ट का क्या कितना डिफरेंस आता है? ज्यादा का नहीं आता, पर शीट में सिर्फ 100-200 का डिफरेंस आता है। भाई 5 शीटें लगी, 4-500 का ही फर्क है, 4-500 का ही फर्क है, 2000 का घाटा हो रहा है भाई, 1500 का फिर भी लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है। चलो तो आज में वीडियो शुरू करते हैं, दिखाते हैं क्या क्या हो रहा है आज स्विफ्ट। ठीक है, जैसे हम बता रहे हैं आज का थोड़ा सा ना कंटेंट नॉलेज वाला रहने वाला है। तो इसमें क्या है, भैया ने ना पहले डैम्पिंग करा रखी थी, ये देखो सारी ये जैसे ना ये चीज़ देख रहे हो सारी ऐसे मतलब निकल रही है। ठीक है, और अभी तो खैर सर्दियों का टाइम है यार, गर्मियों में क्या होता है, यूज़ 40-50 टेम्परेचर जाता है, क्या होता है इसका बताओ? बताना ही मुश्किल है इसका, ये तो मतलब बिल्कुल ऐसे पानी की जैसे बहने लगता है ये है थोड़ा सा। और फिर मोटर में चलाया था जैसे भाई ने बताया कि यार मतलब बिल्कुल वही बात हो जाती ना, तो इसको भैया पूरी डैम्पिंग वगैरह ना ये इसको रिमूव करवा के डैम्पिंग करवा रहे डबल लेयर। ठीक है, पहले इधर उधर हुई थी बाहर की साइड, अब अंदर बाहर डबल करा रहे हैं और डैम्पिंग करा रहे हैं। कौन सी भाई? ठीक है, तो ये सही रहती क्या है? मतलब ऐसे जैसे हो जाता है 40-50 टेम्परेचर वगैरह, दिक्कत नहीं आती क्या इसमें कुछ? नहीं नहीं, ये वाली हमारी सिर्फ आपको हमारे पास ही मिलेगी ये डैम्पिंग। अच्छा, प्लस इसके अंदर जैसे अंदर यहाँ पे लगाया तो मेन पॉइंट क्या होता है, इसका साउंड प्रूफिंग हो जाता है, और प्लस बाहर से यहाँ पे जो ऊपर की तरफ लगती है इधर, तो वाटर प्रूफिंग में भी काम आ जाता है, जैसे गेट खुल गया बारिश में। ठीक है, ठीक तो मोटर्स वगैरह में पानी नहीं जाता। पीछे वाले दोनों डोर में हो चुका है, ठीक है, अभी आगे वाली बाकी है। ठीक है, तो ये अंदर हो रही है डैम्पिंग, ये आ जाए भाई आप देख सकते हो, और उसके अलावा जो है अभी पीछे होनी है, पीछे भी साइड होगी, मतलब वो दोनों डोर आगे रहते हैं। के फ्रंट डोर रहते हैं। अच्छा, आगे के रहते हैं, बाकी पीछे का अभी कनेक्शन हो रहा था मोटर डलने, तो अभी डैम्पिंग यहाँ भी तो होगी ना, डबल लेयर होगी। ठीक है, तो जब तक डैम्पिंग का काम चल रहा है अब आपको थोड़ा सा लेके चलते हैं हम इस साइड, इधर आते हैं। तो भाई ये चीज देख सकते हो आप, डैम्पिंग ना यहाँ भी क्या पहले डैम्पिंग थी क्या हमने की? नहीं, यहाँ पे ये ब्रांड तो दिख ही रहा है। हाँ, नहीं इससे पहले भी कोई डैम्पिंग? नहीं इससे पहले कोई डैम्पिंग नहीं। अच्छा, वो डोर में ही था जो डोर में था। ठीक है, तो ये भैया ने डैम्पिंग यहाँ पे भी कराई है। तो ये क्या है, यहाँ तो ऑडियो का चक्कर नहीं रहता, ये जो वाइब्रेशन वगैरह होती है ना इंजन की उसके लिए होती है। ठीक है भाई, तो उसके अलावा ये देख सकते हो भाई, ये बोनट वगैरह खोला हुआ है, क्या कर रहे हो? फॉग लाइट डाल रहे हो क्या? करो इसके अंदर मिंडा की ओरिजिनल वाली, कुछ लोग क्या करते हैं कि मिंडा के बॉक्स के अंदर भी लोकल फॉग लाइट डाल देते हैं। अच्छा अच्छा, लेकिन उसके मिंडा के पहचान के लिए क्या होता है, मिंडा के बॉक्स के ऊपर है ना फॉग लाइट खोलोगे उसके अंदर मिंडा का प्रॉपर लिखा रहेगा कांच के ऊपर। अच्छा, अभी वो भी हम आपको, चलो वो भी दिखाएंगे। मतलब आज जो है मॉडिफिकेशन, इन्फॉर्मेशन भी मिलने वाली स्विफ्ट वाले भाइयों को। ठीक है भाई,
तो आप वीडियो पूरी देखना, जैसे भैया कह रहे हैं भाई, जैसे हमने ये डैम्पिंग के बारे में बता दिया और इसके बाद हम आपको वो चीज़ें भी थोड़ा सा बताने वाले हैं कि भाई फॉग लाइट के रिलेटेड और भी मैं देखूंगा और जो भी हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं। और इसके अलावा इसके अंदर ये नॉर्मल हेलोजन मैं देख रहा हूँ, तो इसमें भी कुछ कर रहे हो क्या यूज? अभी विंटर का टाइम है ना, तो ये नहीं कि हम खुद कस्टमर को वो थोड़ा राय देते हैं कि विंटर के समय अगर आपके पास बजट नहीं है तो हम इतना वो फोर्स भी नहीं करते कि आप व्हाइट में चेंज करवाइए। ठीक है, विंटर जैसे ही खत्म हो तो आप व्हाइट चेंज करवा सकते हो, क्योंकि सर्दियों में धुंध का प्रॉब्लम रहता है। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है भाई। बाकी उसके अलावा आजकल तो मैं देख रहा हूँ एक फॉग लाइट आती है, इसमें दो तीन कलर चेंज हो जाते हैं। कलर होता है, आईपीएस की फॉग लाइट होती है, हाँ, इसके अंदर आपका व्हाइट हो जाता है, येलो हो जाता है और एक मिक्स कलर भी हो जाता है ना। हाँ तो वो भी सही रहता है। थोड़ा सा बजट का प्रॉब्लम है भैया का, डैम्पिंग वगैरह करवाने के बाद। हाँ भैया वो चीज पता है जरूरी भी थी, डैम्पिंग वगैरह जरूरी भी थी, फॉग लाइट तो अभी इससे भी काम चली जाएगा। ठीक है ठीक है, तो आगे मतलब खाली आप फॉग लाइट चेंज कर रहे हो, मिंडा के डाल रहे हो बेसिक। अच्छा हॉर्न, ये क्रेटा वाला हॉर्न भाई हर एक गाड़ी में मैं देख रहा हूँ आजकल डैम्पिंग। हाँ भैया देखा है डैम्पिंग हुई है इसमें। अच्छा छत भी डैम्प की है, तो मैं थोड़ा सा मतलब लेट हो गया हूँ, है छत पैक हो गई, लेट हो गया हूँ। अच्छा अच्छा चलो भाई आपको एक बार छत वगैरह का भी दिखा दो भाई, बड़ी भारी से हो रखी छत, हाथ में लग रही है अब तो। खैर पूरी पैक कर दी भैया ने, सीट हम काटे हैं इनकी। अच्छा अच्छा, सीट काट के फिर सीट पर लगाए हैं। ठीक है जी, फुल बकर एंड्रॉइड सिस्टम है, एप्पल कार प्ले है। ठीक है ठीक है, स्टीयरिंग है, मीटर है, ये गियर नो भी चेंज होगा, डैशबोर्ड पट्टा भी चेंज होगा। तो ये सीट कवर कैसे सेमी बकेट है क्या भैया? नहीं फुल बकेट है सर, देखिए ना फुल बकेट है। अच्छा अच्छा ये देख सकते हो, सीट भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है ठीक है, डंपिंग हुई है पूरी। अच्छा ठीक है, ये उसके अलावा ये नीचे तो नहीं की, नीचे भी की है पूरी, नीचे डंपिंग नहीं हुई है। अच्छा ये फ्लोरिंग की है आपने, ये डाई कट वाली जो फ्लोरिंग आती है ना वो ही है। और ये मैट वगैरह नहीं, मैट तो पहले का लग रहा है, पहले का पहले का। और ये एंड्रॉइड डाला आपने, ठीक है भाई। उसके अलावा ये तो पहले का ही करवाया था, पहले का, पहले का, पहले का। ठीक है, तो खाली स्पीकर ही मतलब नहीं हुआ, बाकी सब कुछ आप ही कर रहे हो इसमें ना, बाहर भी करेंगे। अच्छा अच्छा, इसमें देखो अंदर जैसे डैम्पिंग हो चुका है और ये अभी तो डबल होगी अभी इसमें भैया, इसमें मजबूती बहुत है, मतलब डबल वाली फील आती है इसमें भी सिंगल में। ये डंपिंग बहुत हैवी वाली डंपिंग, अभी तो डबल हो जाएगी तो फिर तो लोहा बन जाएगी बिल्कुल, अभी पत्थर है पर लोहा बन जाएगी। क्या बात है, बढ़िया पुराने वाले हैं। अच्छा ठीक है, ये पुराने वाले भैया ने रैप सा कराया रखा था, तो जैसे मैं कहता हूँ ये इनका मीटर पुराने वाले हैं, ये पुराना मीटर है। ठीक है जी, ये बेस मॉडल वाला मीटर है, तो मीटर भी चेंज हो गया है ना, सब कुछ चेंज हो गया इस गाड़ी में, सारा काम हुआ है। क्या बात है। और इसके अलावा ये हमारा स्टेयरिंग, भैया क्या कर रहे हो मामा, क्या कर रहे हो आप? पावर विंडो का कनेक्शन। अच्छा पावर विंडो कनेक्शन हो रहा है, बाकी वहाँ चल रही डैम्पिंग। हाँ जी, ये भी फाइनल हो गया आपका पावर विंडो का। अच्छा अच्छा भैया, इसमें वो नहीं कर रहे, गियर नॉब नहीं कर रहे वैसे तो। अच्छा गियर नॉब भी हो रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, वो देख सकते हो भाई गियर नॉब भी जो है इसमें हो रहा है, ये वायरिंग डल चुका है पावर विंडो का। ठीक है भाई, गत्ता भी चेंज होगा फिर, और ये लीवर ये भी चेंज हो रहा है अभी। प्लस एक और चीज भैया ने सेंट्रल लॉक में पहले लगवा रखी थी। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे ये रॉड वगैरह सारा वो गल गया है भैया का थोड़ा, ये देख रहे हो, तो ये भी हम चेंज करवा रहे हैं। अच्छा, तो इसके बाद ये लीवर चेंज होगा। अच्छा मतलब ऐसे किसी का जैसे कोई पुरानी थोड़ी स्विफ्ट हो, ये का काम भी कर देते हो मतलब रॉड वगैरह, तो वो भी हो जाता है। फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, डोर वगैरह तो चेंज हो ही रहा है। नहीं ठीक है, साथ में छोटी सी चीज के लिए फिर वो कल को दिक्कत आ जाए, डोर वगैरह 6 महीने साल बाद। ठीक बात है। और ये साइड मिरर वगैरह भी कुछ कर रहे हो इसमें? नहीं, साइड मिरर और डिक्की लॉक इस दो के अंदर अभी कुछ नहीं हो रहा, बाकी अच्छा। सारा फील्ड कवर हो चुका है, जैसे लीटर। हाँ इसके अंदर अभी सिर्फ कवर लगाया है। ठीक है, थोड़ा आगे साइड आते हैं। अच्छा इसमें क्या है, आपने ये डमी लगाया है हम कह सकते हैं। ठीक है, बाकी इसमें अभी वो मतलब इंडिकेटर वगैरह नहीं चलेगा इसमें इंडिकेटर चलेंगे या फोल्डिंग वगैरह नहीं किया? फोल्डिंग वगैरह नहीं होगा। अच्छा वो मोटर नहीं डाली होगी ना आपने? वगैरह नहीं डाला, नॉर्मल कवर लगाया भैया का ही, साइड मिरर है, इंडिकेटर भी चलेगा, बस इंडिकेटर हमने डाला। ठीक है, तो फिर भैया इसको मैनुअली हाथ से करेंगे बस? हाँ, मैनुअली होगा, वो ऑटोमेटिक वाला नहीं सिस्टम करा है। चलो, तो वो छोटी सी चीज है, वो हो सकता है फिर कभी भैया कभी भी करा सकते है ना इसमें। और उसके अलावा भाई ये इंडिकेटर भी चालू करके दिखा दिया आपको, तो इंडिकेटर भी जो अगर आपने मोटर वगैरह नहीं लगवानी ना, थोड़ा कम बजट है आपका, तो ऐसे मतलब आप ये लगवा डमी लगवा के इंडिकेटर प्रॉपर काम करेगा, बस मैनुअल रहेगा, ऑटोमेटिक वाला सिस्टम फिर आप इन फ्यूचर कभी बजट बने तो आप वो करवा सकते हो। यहाँ भी हो चुकी है डंपिंग पूरी। ठीक है, वो उससे नहीं मारते वो गोल थोड़ा सा ऐसे कर कर करे वो उस पर ऐसे जरा है। हाँ रोलर, रोलर क्या क्या, एक तो अंग्रेजी नाम रखे हुए यार,
उससे अच्छा उससे बैठाते हो क्या? अंदर वाली तो बैठा रहे थे, अच्छे से चिपक जाता है। अच्छा हाँ, रोलर मार दिया क्या इस पे? नहीं अभी नहीं मारा, अभी मारना है ना, है तो फिर अंदर अच्छा, वाली पे रोलर मार दिया। अच्छा अंदर वाले देखा था मैंने। ठीक है भाई, तो अभी सबसे पहले उद्घाटन ना ये वाले दरवाजे का किया है बाहर से डैम्पिंग का, ठीक है। और ये लीवर वगैरह देख सकते हो भाई, ठीक है। और अब आपको भाई बाकी वाली अब तक होंगे, बाकी लीवर आप देख सकते हो सब में लग चुके हैं, इसमें भी देख लो, उधर भी देख लो भाई, वहाँ देख लो, जूम करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये देख लो भाई, ठीक है। और शायद इसमें वो भी लगेगा, टॉप मॉडल वाला डैशबोर्ड फट्टा भी लगेगा इसमें। हाँ जी। चलो ठीक है भाई, तो भाई जैसे जैसे जो काम होता है ना आपको दिखाता जाऊँगा। इसमें काम हो रहा है ना भैया, भूख लग रही है, कुछ बजट में बताओ, यहाँ कुछ खाने को मिल जाएगा बजट में? कहाँ पे खाना चाहते हैं? कुछ बढ़िया सा हो, ज़्यादा महंगा ना हो। तो भाई देख सकते हो ये स्विफ्ट अभी खुली हुई है, और ये भाई साहब ये इतना हल्ला करते हैं, मेरे को फ़ोन कर करके बुला दिया, ढंग से खाने नहीं दिया। वो गाड़ी में डैम्पिंग जरूर हो चुकी है कंप्लीट। ये भाई साहब क्या कर दिया भाई, इतना फ़ोन कर करके मेरे को ढंग से खाने नहीं दिया, क्या कर रहे हो? कितना काम की कनेक्शन हो रही है पीछे? अच्छा एम भी डाल रहे हो? एम बेस्ट टू सारे लग रहे हैं। अच्छा अब काम और बढ़ गया है। चलो ठीक है, नहीं तो अभी तक गाड़ी रेडी हो जाती। तो ये देख सकते हो पूरा ऑडियो ऑडियो खोल के ना, तो वहाँ से करें। अच्छा वायरिंग देखो भाई, कौन सी डाल रहे हो भैया, कौन सी ब्रांड डाल रहे हो वायरिंग का? वोल्टेज। अच्छा वोल्टेज की क्या वारंटी, गारंटी क्या रहती है इसमें? वारंटी एक साल की वारंटी, कॉपर की, प्योर कॉपर है, कॉपर की है भाई, ठीक है। करवानी ही कॉपर की चाहिए भाई, रिकमेंडेड रहती है, सही रहती है कॉपर की, ठीक है। गाड़ी काम कर चुका है, अब एक घंटे आपका और लेट हो जाएंगे आप। अच्छा चलो कोई नहीं, कोई बात नहीं भाई। गाड़ी देखो पूरा आपको काम दिखाएंगे हम, जो जो इसमें हुआ है ना, लीवर वगैरह सारी चीजें दिखा दी थी। सीट कवर जो भैया, सीट कवर जो हमारे पास आए थे वो सेमी थे, आपने इसको बकेट किया है, सेट किया? नहीं, सीट को हमने नया लगाया इसमें। अच्छा पूरा नया लगाया था, अच्छा अच्छा अच्छा। ये इस तरह, ये देख सकते हो ये ब्लैक और व्हाइट पाइपिंग के साथ है। तो इसमें हेडरेस्ट वगैरह नहीं डाला क्या? सीट काट दिया ना इनका, सीट कटवाया पहले, लंबा सीट था वो जो पिछली सूट में हमने किया था, वैसे कुछ किया, सीट कटा हुआ है उसमें, थोड़ा गोलाई ज्यादा थी इसमें, थोड़ी इस तरह से है ना, थोड़े मतलब ऐसे चौड़ाई सी कर दी थी। एलएक्स आई में सीट होती लंबे वाले होते हैं, तो कोई बंदा क्या करता है सीट ना लगवाता है, कोई इसको कटवा देता है, इसको हमने काट दिए। अच्छा ठीक है, काट के फिर शुरू बनाया, क्योंकि इसके एड्रेस में वही फॉर्म ही होता है, कुछ होता तो है नहीं, तो वो इजीली कट जाता है, वो वाला सिस्टम कर दिया इसमें, ठीक है भाई। बाकी ये बेस ट्यूब और एम्प वगैरह इसमें ऐड ऑन करवाया भैया ने, तो क्योंकि डैम्पिंग हो चुकी तो ऑडियो का भी अच्छा खासा जो मतलब हो ही गया इसमें ना। हाँ डैम्पिंग हमने देखी भैया, ये देखो भाई फुल डैम्पिंग अंदर बाहर, ये देख सकते हो भाई फुल डैम्पिंग। उस समय दिखाया भी था मैंने ना आपको काम होते हुए डैम्पिंग में, पूरे चारों दरवाजे में डैम्पिंग हो चुकी है, ठीक है। डिक्की में नहीं करवाई भैया ने डैम्पिंग? डिक्की में डैम्पिंग हो रखा है। अच्छा डिक्की डैम्पिंग हो चुका है ना छत और डिक्की? अच्छा छत पैक कर दिया हमने। अच्छा छत तो मैंने आपको दिखाई दी है, पूरा सील है, देखो बिल्कुल लोहा बन चुका है, आवाज आप देख रहे होंगे, ये देखो आवाज, इसको कहते हैं इसे फुल पैक किए, इसमें हमारे को टोटल डंपिंग जो लग गया सारी गाड़ी के अंदर 35 पीस लगी है, 35 बोनट से लेके दरवाजे से लेके छत तक, ठीक है। डिक्की भी हुई है, वो पैक हो चुकी है, लग गया पैक हो चुकी है, एक बार आपको दिखाया था, एक बार भैया बंद करके दिखाना, हाथ मार के तो आइडिया लग ही जाएगा, पूरा पैक है, ये भी पत्थर बना दिया बिल्कुल इसको। चलो भाई ठीक है भाई, तो ये अपग्रेडेशन जो है गाड़ी में हो, हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, जो इस बार हम सबसे पहले दिखाएंगे सूट में, हमने इसमें डैम्पिंग भी की है, पत्थर सा बना दिया भैया ने बिल्कुल, और छत भी डैम्प हो रखी है जैसे हमने कहा था। 35 सीटें डाली इसमें लगे तो 35 सीट भैया, ठीक है। उसके अलावा इसमें कुछ काम नहीं किया जैसे हमने शुरू में किया था, क्योंकि अभी क्या है थोड़ा धुंधकार समय चल रहा है इसलिए। हाँ मिंडा की फॉग लाइट जरूर लगी है इसमें, मिंडा की बैचिंग वगैरह सब आती है, वो हम आपको दिखाएंगे अभी या नेक्स्ट वीडियो में कभी दिखाएंगे। तो फॉग लाइट को एक बार ऑन करते हैं, वारंटी इसमें वारंटी एक साल की रहती है, एक साल की, एक बार भैया ऑन करना है ना। फॉग लाइट वगैरह आप देख सकते हो गाड़ी की ऑन हो चुकी है, ठीक है जी, परफेक्टली जो हमको चाहिए होती इस टाइम पे फॉग के लिए। बाकी आजकल तो बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन और आ गए हैं, बाकी अगर आप बेसिक में जाते हो तो ये सबसे सही रहती है इस समय धुंध के टाइम पे, गाड़ी ढलान में, इसलिए आपको लाइट नीचे तरफ जाते लग रही होगी, अदरवाइज सामने तक इसका रिफ्लेक्शन आप इसको जज कर सकते हो, ठीक है जी। बाकी बात करें वारंटी भी एक साल की मिंडा की जेन्युइन फॉग लाइट, और उसके अलावा कंपनी में भी यही आती है टॉप मॉडल में मिंडा की, वो भी डाल के देते हैं।
ठीक है, ढलान में गाड़ी, इसलिए आपको लग रहा होगा लाइट नीचे तरफ जा रही है, बट इसका अगर थोड़ा सा प्रेजेंस आप देख सकते हो भैया एक बार हटना, तो आप देख पा रहे हो सामने जो है वॉल पे भी हल्का सा इसका रिफ्लेक्शन पड़ रहा है। अभी गाड़ी अगर सीधी होगी ना तो अच्छे तक दूर तक जाती है। इधर आते हैं तो हमने वो आपको जो दिखा दिया था, ये कवर वगैरह लग गए, इसमें इंडिकेटर वगैरह सब चलते हैं। उसके अलावा ये आप देख सकते हो भाई पूरा क्रोम जो इसमें कर दिया गया है, ठीक है भैया। कहीं किसी में पीछे तक कर तो इसमें यहाँ तक रखा है, जर्मन पार्ट है आपका, कभी जिंदगी में काले नहीं पड़े। अच्छा अच्छा अच्छा, वो आफ्टर मार्केट वाला होता है, पीछे तक होता है। अच्छा, उसमें काले पड़ने का होता है खतरा, ठीक है। ऑप्शन दोनों है, जिसको जो कराना है आप करा सकते हैं। वॉइजर मिसिंग है भैया, इसमें वॉइजर भैया का शौक नहीं है। अच्छा, शौक नहीं, देखो सिंपल रखना था गाड़ी। ग्राहक आते हैं जिसको मैं सामान नहीं बताता, ग्राहक मुझे खुद बताता है कि भैया ये करना लगा है। लो भैया, मैं ये नहीं कहता भैया ये लगा लो, ये लगा लो, नहीं वो गलत बात है। वो वीडियो देख के आते हैं, उनको सब पता होता है, पूरी पूरी वो कर लेते हैं। इसमें कॉम्बिनेशन जो डाले सीट कवर का ब्लैक फूल बकेट के अंदर है ये। ओके, ये हमने लगाया है सीट कवर, लाइफ टाइम गारंटी वाले। पीछे ये देख सकते हो भैया, पीछे देख के चलता हूँ आपको, ठीक है। ये मीटर वो वाला जो चेंज हो गया ना, वो पड़ा हुआ है। तो कई भाई पूछते क्या करते हैं, वो जो सामान होता है ना बोस मॉडल बेस मॉडल वाला, आपको साथ में ही दे देते हैं। ये स्टेयरिंग आप देख सकते हो, अंदर पहले दिखाओ स्टेयरिंग आप देख सकते हो, मीटर आप देख सकते हो। उसके अलावा ये दरवाजा खुला हुआ है ना स्विफ्ट का, तो इसमें थोड़ा सा एक बार फिर से मैं करता हूँ इसको बंद करके। ये देखो भाई लाइट ऑन है ना इसकी, मैंने कर रखी, ये देखो, ठीक है जी। डोर खुला है हमारे साइड वाला, तो इसका इंडिकेशन आ रहा है, इंडिकेशन आ रहा है, ठीक है। और बाकी डोर को बंद करते हैं, लो जी बंद हो गया, ठीक है। थोड़ा चाबी सी लगाते हैं इसमें, बाकी चीज़ें आपको दिखाते हैं। डैशबोर्ड फट्टा वगैरह जो मैं बात कर रहा था, पावर विंडो लीवर, पीछे भी देख लो भाई सब चीज़ें। डैम्पिंग हमने आपको दिखाई दी थी, ठीक है जी। और इसके अलावा ये ट्विटर सैश, ठीक है जी, ट्विटर सैश भी भैया ने लगवाया इसमें। और ये गियर नॉब ये भी देख लो। और इसके अलावा पूरा पूरा स्टेयरिंग, आजकल जमाना ही स्टेयरिंग का है, पूरा पूरा स्टेयरिंग चेंज होता है जब लगभग सेम कॉस्ट में, तो ज़रूरत क्या है भाई रिमोट रिमोट लगवाने की, है ना। बिल्कुल देखो, उसमें आपको सिल्वर भी मिल रहा है, ये स्टेयरिंग रैप भी मिल रहा है, हर एक चीज़ मिल रही है, चाबी देगा यूस इसी बात। ये भाई इधर लो, ऑन कर दिया मीटर, ठीक है। तो ये सारे सिस्टम भी आपको दिखा देते हैं, ये देखो भाई लो फ्यूल, फ्यूल भी ख़त्म हो रहा है भैया का, अच्छा अच्छा आ ही गया भाई, ठीक है। तो ये सारे जो है सिस्टम वगैरह आपको दिख रहे होंगे इसमें, जो हमको ZXi में मिलता है ना। अब जो मैं बात कर रहा था ना, ये सब चीज़ें तो मैंने आपको दिखा दी, एंड्रॉयड भी हमने लगाया, कैमरा पहले दिखा देते हैं आपको। ऑडियो वगैरह खैर बेस ट्यूब वगैरह तो हमने डाली ना इसमें, हाँ। वो ऑडियो सुना देंगे। स्पीकर तो वही भैया चेंज नहीं हुआ ना, स्पीकर पहले पहले के रखे हमने और बेस ट्यूब डाली, ठीक है। और इधर हम आते हैं तो पावर विंडो वगैरह एक बार आपको चला के दिखाते हैं, जो कि हमने डाला है, ये देख लो भाई। पहले ब्लैक फिल्म देखा है इसमें, फिल्म उतरवा रखा है, चलान चलून हुआ होगा, वही वही काट देते फिल्म जब चलान पे पकड़ देना, ठीक है जी। तो शीशे बंद हो गए, पीछे वाला भी दिखा देते भाई आपको, ये देखो। इधर आते हम, सीट कवर तो मैंने आपको दिखाई देते, तो चारों पावर विंडो प्रॉपरली काम वगैरह कर रही है। और ये मैंने आपको दिखाई दिया था मिरर वगैरह, अंदर से एडजस्टमेंट नहीं करवाया क्योंकि मोटर नहीं लगवाई भैया ने, बाकी सब डमी वगैरह सब कुछ लग गया पता है ना मिरर, उसके लिए पूरा मिरर चेंज होता है। अच्छा, ZXi वाले मिरर में मोटर नहीं डलती, पूरा मिरर चेंज होता है। अच्छा, अगर किसी को मिरर चेंज नहीं करवाना होता तब कवर और इंडिकेटर डलते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, इसमें आपने खाली कवर डाला है, कवर डाला है जिसमें इंडिकेटर चलता है, इंडिकेटर वाला कवर है। अगर फोल्डिंग चाहिए और एडजस्टेबल मिरर चाहिए, मिरर पूरा मिरर चेंज होगा पूरा, ठीक है। और मान लो किसी के पास ZXi गाड़ी है और उनको फोल्डिंग चाहिए, क्योंकि अभी के मॉडल में तो जो 2022 वाले मॉडल है और जो 23 वाले आ रहे हैं अभी, उसके अंदर तो फोल्डिंग मिल ही रहा है, चाहे ZXi लो या ZXi लो, पर जो 2022 से पहले वाले मॉडल है उन सब के अंदर जो ZXi गाड़ी है उसमें आपको सिर्फ एडजस्टेबल मिलता है ये वाला बटन, जो ये फोल्डिंग वाला बटन होता है ना, ये नहीं देती और मिरर फोल्ड नहीं होते ऑटोमेटिकली, सिर्फ एडजस्ट होता है। तो अगर किसी भाई को उसको वो करवाना है ना फोल्डिंग, तब उन्हीं के साइड मिरर में मोटर डलती है। अच्छा अच्छा, तो अभी तो ये सब कुछ नहीं है, एडजस्टमेंट वगैरह कुछ भी नहीं है, ये जब करना होगा भैया तो मैनुअली हाथ से ही करेंगे इसको, है ना। बस अभी प्लान है भैया का करवाने का, पीछे टेल लाइट चेंज करवाना है सी टाइप डिजाइन के अंदर, स्कैनिंग वाला। अच्छा, और हेडलाइट चेंज करवानी है और साइड मिरर, ये तीन काम बाद में होगा, बाद में होंगे, ठीक है भाई।
तो उसके अलावा एक बार थोड़ा सा ऑडियो भी सुना देते हैं, क्योंकि बेस ट्यूब वगैरह एम वगैरह हमने की है, वायरिंग हमने आपको दिखा दी, कॉपर की प्रॉपर वायरिंग लगी है जिसमें एक साल की आपको गारंटी भी दे रहे हैं भैया, मतलब तकड़ाई वाला सिस्टम कर रखा है बिल्कुल। दिखाना यार बम 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 भाई साहब बम बम फोड़ दिया ऑडियो पूरे भैया घबरा गए थे जैसे ही चालू हुआ सिस्टम, देखा यार ये क्या हो रहा है, मतलब बम्बारी हो रही होती ना वैसे आवाज हो रही है बिल्कुल। क्या बात है, वाइब्रेशन बिल्कुल नहीं। बढ़ाओ भाई और बढ़ाओ यार, थोड़ा मॉल और बनाओ। भाई देखा मतलब किस तरह का साउंड हो रखा है, बिल्कुल भैया के कान वान पकड़ लिए और ये इधर भी वाइब्रेट कर रहे थे, चेन सी टांग रखी है ना भैया ने, तो ऑडियो अच्छा है, रिमोट हमारा परफेक्टली काम कर रहा है, इसका तो भाई कोई सवाल भी नहीं बनता क्योंकि पूरा पूरा स्टेयरिंग ही कंपनी का करवा दिया भैया ने, तो ये सारा जो है काम हुआ है स्विफ्ट में, सब कुछ इसमें हो गया टॉप मॉडल, हर एक चीज सिवाय एक जो मिरर भैया ने करवाने हैं और बाकी और अगर किसी ने करवाना है और हेडलाइट तो आजकल ऑप्शनल है, ज्यादातर कोई करवाता है नहीं, बहुत ज्यादा एलईडी हो जाती वो भैया ने इसलिए नहीं कराई क्योंकि धुंध वगैरह का आजकल चल रहा है ना हिसाब किताब, तो बाकी वही है वो बाद में भैया करा लेंगे, तो ये सारा जो है काम हुआ है। क्या बजट आता है आयुष भाई इसमें करवाने में, ये सारा अगर भैया ने तो पूरा डैम्पिंग वगैरह हां डैम्पिंग हुआ है, 35 सीटें जैसे बता रहे भैया, 35 सीटें लगी है टोटल, इसका खर्चा मैं बताऊं तो भैया का 70 और 80 के बीच में खर्चा आ रहा है, 70 80 एस्टीमेट अगर ये डैम्पिंग वगैरह नहीं करवाते, और मान लो जैसे सिर्फ मीटर हो गया, स्टीयरिंग हो गया, पावर विंडो हो गया एंड ये सिस्टम हो गया म्यूजिक सिस्टम, इनका आप 40,000 तक मान लीजिए, 40,000 हां मीटर पावर विंडो स्टीयरिंग फिर उसके बाद सिस्टम हो गया पूरा एंड्रॉइड और पीछे का स्पीकर्स वगैरह सब और आगे की फॉग लाइट एंड ये क्रोम लीवर डैशबोर्ड गार्निश गियर नोब ये सारा 40,000 तक आप मान लीजिए। तो मैं अभी एक बार पीछे जो बेस ट्यूब लगे वो भी आपको दिखाता हूँ, तो ये कहीं आते हैं ना बेस ट्यूब हमारे पास इनबिल्ड एम्प वाले आते हैं, वो ऑप्शन होते हैं एम्प लगाओ ना लगाओ, कहीं होते हैं बिना एम्प के नहीं चलते, तो ये अपना कौन सा लगा हुआ है? ये बिना एम्प वाला बेस ट्यूब है अपना। अच्छा, एम्प अलग से डला है, V12 का एम्प डला है। अच्छा। इसके अंदर दो तीन मॉडल और आ जाते हैं, जैसे अपना खुद का साउंड ब्लास्ट का मिल जाएगा, जो बाकी वीडियो में हमने दिखा रखा है एंड्रॉइड वगैरह भी साउंड ब्लास्ट का और एम्प भी मिल जाएगा, पर इसके अंदर V12 का डला है, अलग अलग ट्राई करते रहना चाहिए, एक ही पे तो रहा नहीं जाता। ठीक बात है, चलो अब एक बार भैया से भी रिव्यू ले लेना कैसा लगा है जिनकी गाड़ी काम के बारे, और पीछे एक बार आपको बेस ट्यूब भी दिखाते हैं। तो ये जो पीछे सिस्टम कर रखा है जबरदस्त वाला धम धम जो आपने सुने एसी का कमाल है, V12 का एम्प रखा है, और ये जो आप देख सकते हो भाई ये कौन, अच्छा जीरो ग्रेविटी का डाला है आपने इसमें, ये जीरो ग्रेविटी 10 इंच वाला है भैया 12 इंच वाला है, 12 इंच ठीक है, और ये फोर चैनल V12 का ठीक है, बाकी वायरिंग वगैरह मैंने आपको दिखाई दी थी, अच्छी वायरिंग हुई है भाई, साउंड आपने देख ही लिया, तो चलते हैं भैया के पास बात करते हैं भाई कैसा रहा है काम। मैंने आपको काम वगैरह दिखाया स्विफ्ट का, तो भैया आए आज, जैसे भैया मैंने देखा गाड़ी में आपने पहले भी कुछ काम करा रखा था ऑडियो का, और मतलब लगभग ऑडियो का आपने सारा ही फिर से ही काम कराया, स्पीकर नहीं चेंज कराया, बाकी सब कुछ ही आपने यहीं से कराया, तो डैम्पिंग वगैरह भी आपने चेंज कराई, मतलब क्या दिक्कत आ रही थी? बीच में मेरी गाड़ी एक्सीडेंट हो गई थी, अच्छा, उसके कारण दो डोर की डैम्पिंग हट चुकी थी, अच्छा ठीक है, वगैरह की ऐसी, तो उसके बाद मैंने अब कर रही है, अच्छा थोड़ी उसके लिए ठीक है, और वो मेरी डैम्पिंग खराब भी हो रही थी, अच्छा दोबारा अंदर बाहर दोनों साइड से, अच्छा जैसे अच्छी, अच्छा वो पहले वाली की मतलब क्वालिटी का मजा नहीं आया था आपको? नहीं नहीं पहले वाले में कोई ऐसे ऐसे बिल्कुल हल्की टाइप थी वो, तो बस स्पीकर के लेकर आई थी, अच्छा अच्छा, अब गाड़ी में थोड़ी आवाज वगैरह आने लगी तो उसके लिए डबल डैम्पिंग कराई थी, ठीक है ठीक है, तो अब की कैसे लग रही है, मतलब आपको वो अब तो फर्क तो लग रहा होगा साउंड में, जो पहले आपने डैम्पिंग कराई थी और अब वाले जैसे वाइब्रेशन का फर्क लग रहा है क्या आपको? ऐसा तो कुछ नहीं, एकदम स्मूथ हो चुकी है गाड़ी, पहले जो हल्की फुल्की आवाज आती थी जी जी बिल्कुल खत्म है, ठीक है एकदम साउंड प्रूफ, ओके साइलेंट गाड़ी, और अंदर जो साउंड है हमारी म्यूजिक सिस्टम की वो एक्स्ट्रा लार्ज मतलब धमाकेदार ही हो रही है पहले से,
तो जो उम्मीद करके आए थे वो मतलब वैसा आपको भैया पहले कहीं कहीं गए होते मेरे पास। अच्छा मतलब काफी आपने ट्राई किया होगा यार, मार्केट में देखो करना ही पड़ता है, कोई चीज मिलती है ठीक है जी, ऐसे आसानी से तो कोई चीज मिलती नहीं। उसके बाद हमें भैया मिले, उन्होंने अपना काम दिखाया, सारी चीजें हमें पहले क्लियर करी, जो भी हमारे था ये सिस्टम होगा या ये होगा, काम एकदम तसल्ली से बढ़िया एकदम ठीक है, जेन्युइन काम ठीक है। मतलब वही फिर जो आप चाहते थे, जो उम्मीद करके आए थे, वो सारी करके आए थे, वो पूरी फुलफिल हो गई। तो जो जो चीजें आपको चाहिए थी सब कुछ यहाँ पे मिल गई थी, क्या आपको कोई से अरेंज करना पड़ा? कुछ जरूरत नहीं है, करी नहीं पड़ी। हाँ हमारी आई गाड़ी खड़ी हुई, अच्छा पूरा काम यही हो गया। चलो ठीक है भाई, इससे बढ़िया क्या चीज हो सकती है जो आप आए थे उम्मीद करके। वैसे आए कहाँ से भैया, कहाँ से? मतलब फरीदाबाद से आए भैया। हाँ मतलब आप हरियाणा से आती है हमारे पास गाड़ी, तो वही है कि वहाँ से आना आपका जो है वर्थ हो गया, मतलब वहाँ से आना वैल्यू फॉर मनी मिला। ठीक है थैंक यू भैया सो मच। भाई मुकेश भैया आपसे बात करते हैं, तो भाई ये कितना टाइम लगा इस गाड़ी को रेडी होने में? मेरे मालिक आप हमसे क्या बात करते हैं, हम तो आपको सेवा करते हैं और सेवा भी नेवा है, सेवा भी नेवा है। आप मेरा चैनल बनाते हो, आपको भगवान करे आप मेरा आगे और चैनल बनाओ। हमें पैसा नहीं चाहिए, ग्राहक का प्यार चाहिए बस बस। और ठीक है मतलब जो आप चैनल बनाते रहो, मेरा चैनल आगे बढ़ाते रहो, और मुझे मत कहो, आप मेरे बेटे को बोलो। चलो भाई हाँ जी, अब मेरा बेटा ही कुछ जो कहेगा मेरा बेटा कहेगा। और तीसरा नंबर ये है बाबूजी, हाँ जो कहते हैं सबको कहीं पे मत फंसो। सारे बंदे क्या करते हैं, जो फोन करते हैं भाई गत्ता है ये है वो है अगरा बगरा, सब झूठ बोल रहे हैं। जो रेट है फिक्स 14,500 का रेट है तो है ठीक है, उससे कम रेट नहीं है ठीक है। कोई आपको 13 बोल वाली बात हाँ। है भटकाने वाली बात, बाकी हमारे बेटे से बात करो आपको बताएगा हाँ। क्या है आयुष बात करते तो क्या कहते हैं कितनी देर लगी गाड़ी को रेडी होने? टोटल का काम डैम्पिंग वगैरह के चक्कर में लेट हुआ है, वरना बाकी सारा काम अगर डैम्पिंग नहीं करवाते तो 2 घंटे के अंदर अंदर 2 घंटे में हो जाता रेडी ठीक है। कितने बजे गाड़ी आई थी, क्योंकि मैं तो थोड़ा सा लेट हो गया था। आप तो लेट हो गए, गाड़ी 11-12 बजे के करीब आई थी ठीक है। 11 बजे कॉल आया था आपका मेरे को हाँ। 11 बजे कॉल तो बताओ क्या हुआ, 11 बजे आई ना भैया ने क्या क्या पुराना सारा डंपिंग हटाया है। अच्छा उसमें भी टाइम लग गया होगा ना, पुराना डंपिंग हटाने में गिन डन मशीन से वो सब हटाए हाँ। छत का हटाए, दरवाजे का हटाए, डिक्की का हटाए, उसके बाद हम डंपिंग दोबारा चालू किए हाँ। लोकल डंपिंग लगा हुआ था हाँ। मगर भैया जो है अच्छे इंसान है, वो कह रहा जो भी मेरा काम किया था बढ़िया काम किया था, मुझे पास गए नहीं, उसका बुरा भैया नहीं किया। अच्छी बात है, कोई भी दुकानदार का भैया बुरा नहीं किया, कह रहा ठीक है जो लगा दिया लगा दिया, मेरा किस्मत थोड़ी ले लिया।